तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम 5 फीट का टैंक बना रहे थे, फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि आप सिर्फ वीडियो बना रहे हो, फिशेस को कब ऐड करो। तो देखिए, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि टैंक सेटअप का मतलब ये नहीं है कि आप एक टैंक सेट करो, 5 फीट की टैंक बना लो, उसके बाद तुरंत फिशेस डाल दो। ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना होता है। उसका ओवर फिल्टर, उसका टॉप, उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, या साइक्लिंग का होता है, लाइटिंग का होता है, वन बाय वन स्टेप लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एट अ टाइम एक ही दिन पूरा खत्म करके दूसरे दिन फिशेस को डाल दो। तो फाइनली आज हमारा वीडियो जो है टॉम सम सिस्टम सब खत्म हो चुका है, सम फिल्टर सिस्टम, ओवरफ्लो सब ऐड कर दिया, लाइटिंग भी ऐड कर दिया। अभी बारी है हमारी पानी डालने की। पानी डालने के बाद हम उसको चेक करेंगे फिल्टर सिस्टम कैसा फ्लो हो रहा है, और उसके बाद 2 वीक एटलीस्ट हम साइक्लिंग करेंगे, उसके बाद फिशेस को ऐड करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था किस तरह मैंने इसके एक्टिवेट कार्बन के साथ या मीडिया के बारे में मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया डिटेल्स में। उस टाइम वीडियो में हमने पूरा फिल किया था, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से उसके बाद में हमें स्टॉप कर दिया था। अभी यहाँ पर इतना तक काम हो चुका है कि मीडिया और स्पॉन्ज और सब कुछ हम ऐड कर चुके हैं। अभी यहाँ पर मोटर से पाइप को हमको कनेक्शन करना है, जो पानी ऊपर जाता है ऊपर कैसे में, वहाँ पर हमको भी पाइप लगाना है। तो वो पाइप लगा लेंगे, उसके बाद में पानी फिल करके चेक कर लेंगे। सबसे पहले पाइप लगाने के लिए देखिए, यहाँ पर अब जो भी एक 1.25 इंच का, जो 1 इंच का पाइप आता है इस तरह का, जो हम लोग बहुत सारे घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो लेते हैं। मेरे पास बहुत सारा है, उसमें कट कर लिया मैंने। तो यहाँ पर वॉल को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। वॉल को मैंने अभी गम नहीं लगाया था, ताकि पहले हम पाइप लगा लें बाद में लगा लेते हैं। तो अभी मैंने गम भी लगा लिया है, और साथ में मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं। मोटर को कनेक्ट करने के लिए सामने उसका जो नोज़ल आता है उसको थोड़ा हीट करके लगाना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि वो पाइप इस पाइप में थोड़ा डिफरेंस रहता है साइज़ के हिसाब से। तो थोड़ा बहुत उसको हीट करेंगे, हल्का सा 2-3 सेकेंड्स के लिए ही, ज़्यादा हीट नहीं करना, 2-3 सेकेंड के लिए हीट करके बाद में जो नोज़ल्स आता है उसको लगा लेना है, वो आसानी से बैठ जाएगा। एक बार चिपका देंगे, उसके बाद में बार बार ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह का इस्तेमाल किया है, बस 3 सेकेंड के लिए मैंने हीट किया था। अभी ये तैयार हो चुका है, अभी हम ऐड कर देते हैं। जब से हमने टैंक बनाया है अब तक हमने टेस्टिंग कुछ भी नहीं की थी, ना ही हमने लीकिंग के लिए चेक किया था, ना ही हमने कोई दूसरे चेकिंग के लिए। तो आज पूरा फाइनली हम चेक करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ मिस्टेक्स आते हैं या नहीं। मैंने खुद बनाया था पूरा, आपने देखा होगा मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं सीरीज़ वाइज, तो सारा मैंने ही बनाया था। 3 फीट का ये सम्प वाला और 5 फीट का मैंने साथ में एक दूसरों को लेकर बनाया था। तो टैंक हीटर फिर सॉरी टैंक स्टैंड सब हमने घर में ही बनाया था। तो अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट करने से पहले पानी फिल करना है। पानी यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, और इसमें टैंक जो है 100 गैलन का टैंक है, ये 100 गैलन का अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 100 गैलन का टैंक है। तो नाइट का टाइम है, हम फिल कर रहे हैं। ज़्यादातर पर मेरे पूरे वीडियो जो है नाइट में ही शूट होते हैं, क्योंकि दिन में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, घर में बच्चे रहते हैं, आवाज़ रहता है, तो नाइट में थोड़ा बहुत साइलेंट रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं रहता, तो नाइट में ही पूरा काम करता हूँ। तो देखिए आधा पानी फिल हो चुका है, अभी जो हमारा ओवरफ्लो बॉक्स है वहाँ तक टच हो चुका है। अभी तक तो 80 लीटर से ज़्यादा पानी हमने फिल कर दिया, सॉरी 300 लीटर से ज़्यादा पानी फिल कर दिया हमने, अभी तक 300 लीटर हो चुका है। तो भी पानी भी खाली हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा बहुत जो ऊपर नहीं है तो दूसरी जगह से हम लोग थोड़ी जगह से लेकर पानी डाल रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि अभी 3 फीट का टैंक नीचे सम्प है और ऊपर 5 फीट का टैंक है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो है अगर हम काउंट करें तो टोटल 120 गैलन का वाटर यहाँ पर आ रहा है, मतलब 450 लीटर पानी आएगा नीचे की 3 फीट की टैंक जो सम्प वाली है, और ऊपर जो है वो 5 फीट की टैंक है। तो टोटल मिला के 400 से 500 लीटर का पानी अप्रॉक्सीमेटली आएगा। हमारे पास जो 500 लीटर की टैंक थी वो पूरी खाली हो चुकी, तो अभी हमारे पास पानी भी नहीं था, तो हमने दूसरी जगह से थोड़ा बहुत लेके फिल कर दिया है। देखिए अभी पानी फ्लो हो रहा है और सम से नीचे जा रहा है, नीचे जहाँ पर कनेक्शन थोड़ा स्टार्टिंग क्लोडी रहता है पानी, ये सब कॉमन है, बाद में धीरे धीरे ये जब फिल्टर हो जाए सही हो जाएगा। देखिए पानी पूरा आ रहा है, तो सम से होकर फिल्टर मीडिया से होकर और मोटर तक जा रहा है, मोटर फेंक भी रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर एक खुशी की बात है मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। तो देखिए अभी तक कुछ लीक नहीं है, सब कुछ सही हुआ है प्लान के हिसाब से, अभी तक एक स्क्रैच बराबर भी लीक नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए और एक इसके अंदर अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है ये बबल्स जो है राउंड रोटेट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये बड़ी चीज़ है। अगर आप सम के अंदर ऐसा रोटेट हो रहे हैं बॉल्स, वो बहुत बड़ा बन जाता है। अभी यहाँ पर केविन का जो बायो जो मीडिया आता है वो भी फ्यूचर में ऐड करूँगा, अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा जिसकी वजह से मैंने थोड़ा नहीं डाला है, लेकिन आगे जाकर हम इसके अंदर एक्टिवेट कार्बन डालना है और केविन का जो मीडिया आता है वो भी डालना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा जो प्लान था जो 5 फीट का टैंक है सक्सेसफुल हो चुका है, पूरा का पूरा जो भी 5 फीट का टैंक था, 3 फीट का जो सम सिस्टम था, सब कुछ सही काम कर रहा है।
प्लान के हिसाब से जिसने जिस तरह किया था, मुझे बहुत डर था कि हम कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा सही हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई। पहली बार मैंने सम सेटअप किया, 5 फीट का टैंक सेटअप किया, 450 या 500 लीटर की अप्रॉक्सीमेटली वाटर वैल्यूम है 5 फीट और 3 फीट दोनों मिला के, तो अप्रॉक्सीमेटली गैलन के हिसाब से बात करें तो ये आएगा 120 या 130 गैलन अप्रॉक्सीमेटली आएगा पूरा दोनों मिलाकर पानी। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार किया है तो बहुत खुशी है। अभी और भी हमें मुझे मोटिवेट मिल गया है, और भी मुझे खुशी हुई कि आगे जाकर और भी बड़े इससे बड़े टैंक बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये कंप्लीट हो गया, मिशन पास्ट हो चुका है हमारा। अगले वीडियो में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में दूसरा वीडियो लाएंगे। तो इसके बारे में जो भी कहना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस टैंक के बारे में या सम सिस्टम के बारे में या जो भी कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग एंड पेशेंस के बहुत सारे लोग वेट कर करके देख रहे हैं। मुझे भी पता है कि थोड़े बहुत वीडियो लेट हो जाते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से, लेकिन वन बाय वन आपको अपडेट मिल जाएंगे। इसके बाद जो पोंड का टैंक है, फिश पोंड, वो भी बहुत इंतज़ार है मुझे भी, उसका भी काम चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा 100% इस मंथ में। पूरे 5 फीट का टैंक, फिश पोंड, टर्टल पोंड और फिश, पूरे होल फिश रूम टूर का भी वीडियो इस महीने में पूरे आपको मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।